पारसवाड़ी महाराष्ट्र दशहरा, जहां पूरी दुनिया में रावण दहन की तैयारी हो रही थी, महाराष्ट्र के इस छोटे से गांव का माहौल थोड़ा अलग था। जहां के गोंड कबीले के लगभग 300 लोगों ने एक पीले रंग की मूर्ति के आसपास घेरा बनाया हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज, गोंडी फोक गाने और मिट्टी के हाथी के आसपास नाचते हुए लोग, ये पीली मूर्ति थी इस कबीले के धर्मगुरु की, एक ऐसा राक्षस जिसे बुराई और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। ये मूर्ति थी राक्षसों के राजा लंकापति रावण की। और सिर्फ यही कबीला नहीं, कई जगहों पर रावण को एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय के रूप में भी पूजा जाता है। लेकिन आखिर एक पापी राक्षस के लिए देवताओं के समान दर्जा क्यों? क्या आप जानते हैं कि रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था? रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के बेटे के रूप में हुआ था। उसके दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र थे और यही कारण था कि उसमें एक ब्राह्मण और एक राक्षस दोनों के गुण थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जो उसे बाकी राक्षसों से अलग बनाता था? रावण के पिता ही उसके गुरु थे, जिन्होंने उस आयुर्वेद से लेकर तंत्र तक, ज्योतिष ज्ञान से लेकर संगीत तक, रावण हर विद्या में माहिर था। रावण इज कंसीडर्ड एज द ही रोट द बुक्स ऑन पीडियाट्री, ही रोट द बुक्स ऑन हस्त आयुर्वेदा, ही रोट द बुक्स ऑन दैट इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलिफेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्सेस, ट्रीटमेंट ऑफ अदर एनिमल्स, अदर आयुर्वेदिक बुक्स। ही रोट लॉट ऑफ पोएट्री, ही वॉज अ इन्वेंटर ऑफ मेनी रागास, वीणा। सिर्फ यही नहीं, संसार की सारी काली शक्तियां भी उसकी मुट्ठी में थी। वो अपनी इच्छा से ग्रहों की दिशा तक बदल देता था। वो अक्सर अपनी इन काली शक्तियों का इस्तेमाल माया और छल के रूप में युद्ध भूमि में करता था, और इसीलिए संसार में ऐसा कोई नहीं था जो उसे हरा सके। इस ज्ञान और ताकत के कारण रावण खुद को देवताओं से भी ऊपर समझने लगा, और उसका यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। अब सवाल ये है कि आखिर विष्णु जी ने श्री राम के मानव रूप में ही रावण का अंत क्यों किया? वो महाविष्णु के अवतार में आसानी से उसका वध कर सकते थे, तो फिर इतना बड़ा युद्ध क्यों? वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की मां कैकसी अपने सौतेले बेटे कुबेर को बहुत पसंद करती थी, और वो इसीलिए हमेशा रावण की तुलना कुबेर से करती थी। धीरे धीरे रावण के मन में कुबेर के लिए जलन बढ़ गई और उसने ठान लिया कि वो कुबेर से बेहतर बनेगा। उसने गोकर्णा जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। कई सालों की कठिन तप के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से उसकी इच्छा पूछी। रावण ने झट से उनसे अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसे दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा, क्योंकि इस संसार में जन्म लेने वाले हर जीव की मृत्यु होना तय है। रावण ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आप मुझे देवता, असुर, दानव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नागों से अमरता प्रदान करें। बाकी जीवों से मुझे कोई डर नहीं है, खासकर मनुष्यों से, जो मेरे लिए एक तिनके के समान है। तथास्तु। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए, और यही वरदान था जिसके कारण विष्णु जी ने मानव रूपी अवतार लेकर रावण का नाश किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद अब समय आ गया था कि रावण अपने भाई कुबेर की जगह ले सके। कुबेर एक आदर्श राजा थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बंजर पड़ी लंका को सोने की नगरी बनाया था। वैसे तो रावण भी ऐसी नगरी बना सकता था, लेकिन उसने आसान रास्ता चुना और कुबेर से लंका को मांग लिया। कुबेर रावण को अच्छी तरह से जानते थे, और इसीलिए किसी भी नगरवासी को नुकसान ना पहुंचे, उन्होंने बिना कुछ कहे लंका रावण को सौंप दी और कैलाश पर्वत पर जाकर बस गए। अब रावण का अहंकार और भी बढ़ गया था। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। कई ऋषि और मासूम लोग उसकी बेदर्दी का शिकार बने। धीरे धीरे लंका का माहौल भी खराब होने लगा, तो उन्होंने रावण को संदेश भेजा और चेतावनी दी कि अधर्म और बुराई का रास्ता छोड़ दे। ये संदेश मिलते ही ताकत के नशे में चूर रावण ने अपने भाई कुबेर पर ही हमला बोल दिया। उसने कुबेर को हरा दिया और उनसे पुष्पक विमान छीन लिया। अपने इस जीत का जश्न मनाने के लिए वो हंसते हुए कैलाश पर्वत के जंगलों में घूमने लगा, जिसकी गूंज बहुत ही जल्द शिवजी तक पहुंचने वाली थी। रामलल्ला पधार रहे हैं,
लेकिन अगर आप अयोध्या जाकर इस भव्य उत्सव में हिस्सा नहीं ले पा रहे तो हम उसे आपके घर तक ला सकते हैं। आर्टेरियम के साथ कोलैबोरेट करके हम आपके लिए लाए हैं रामलल्ला जन्मभूमि मंदिर का हूबहू प्रतिरूप। इस हाई क्वालिटी प्रतिमा को बहुत बारीकी से तराशा गया है जो दो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड RAAAZ10। इट इज RAAAZ10 फॉर 10% डिस्काउंट। आप भी रामलल्ला के उत्सव में भाग ले पाएंगे क्योंकि हर घर में श्री राम आएंगे। रावण अर्थात जिसकी चीख सुनकर पूरा संसार चीखने लगे, लेकिन यह नाम रावण को जन्म से नहीं मिला था। जन्म के समय उसे दशग्रीव के नाम से जाना जाता था। ये कहानी है तब की जब रावण जानता तक नहीं था कि शिवजी कौन है। कुबेर से जीतने के बाद कैलाश के जंगलों में घूमते हुए पुष्पक विमान अचानक रुक गया। बहुत कोशिश के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ा। तब रावण ने देखा कि एक जीव उसकी ओर आ रहा है। पास आकर उस जीव ने कहा, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, ये भगवान शंकर का क्रीड़ा स्थल है। ये जीव और कोई नहीं बल्कि शिव जी के वाहन नंदी जी थे। रावण गुस्से से आग बबूला हो उठा। अपनी लाल लाल बड़ी आंखों से नंदी की ओर देखकर उसने पूछा, कौन शंकर? वो गुस्से में आगे बढ़ने लगा। नंदी ने उसे फिर रोका। इस बार उसने सिर्फ नंदी जी को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। उनका अपमान करते हुए उन्हें वानर जैसी शक्ल का कहा। नंदी जी ने क्रोध में उसे श्राप दिया कि आज तुम मेरे वानर जैसे रूप के कारण मेरी हंसी उड़ा रहे हो। तुम्हारा यह अहंकार वानरों के द्वारा ही चूर कर दिया जाएगा। रावण ने नंदी जी की बातों को फिर नजरअंदाज किया और नंदी से पूछा, शंकर किस हक से इस जगह को अपना कहता है? क्या वो जानता नहीं कि मैं कौन हूं? अब देखो मैं कैसे इस पर्वत को ही जड़ से उखाड़ दूंगा जिसने मेरा विमान रोकने का साहस किया। इतना कहकर रावण ने कैलाश को नीचे से उठाने की कोशिश की। शिव जी जो ये सब देख रहे थे धीरे से मुस्कुराए और अपने पैर की एक उंगली से कैलाश की चोटी पर थोड़ा सा जोर दिया। शिव जी के एक उंगली के भार से रावण के मजबूत हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। वो पूरी तरह दर्द से भर गया और चिल्लाने लगा। उसकी इस चीख से तीनों लोग कांप उठे और हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अपने हाथों को हिला तक नहीं पाया। तब उसने निराश होकर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनके समर्पण में श्लोक और भजन गाना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान उसने शिव तांडव स्त्रोतम की रचना की थी। वो बहुत दिनों तक लगातार गाता रहा। जब उसका अहंकार कम हो गया तब भोलेनाथ ने उसकी इस आराधना से खुश होकर उसे आजाद कर दिया। शिव जी ने उसे रावण का नाम दिया जिसकी चीख सुनकर तीनों लोग चीखने लगे थे। और इसीलिए रावण का शिव भक्त होना भी बस इसी निराशा पर आधारित था, सम्मान या भक्ति के भाव पर नहीं। क्या आप जानते हैं कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है? लेकिन आखिर क्यों? एक दुष्ट पापी राक्षस जिसने अहंकार, काम और क्रोध की सारी हदें तोड़ दी थी, इस संसार में उसकी पूजा क्यों की जाती है? रावण में कई बुराइयां थी लेकिन उसका ज्ञान और नीति उसे लोगों की नजर में फिर भी ऊंचा रखती थी और इसीलिए आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में रावण की पूजा की जाती है। श्रीलंका में रावण को राजा और विद्या के देवता के रूप में पूजा जाता है। सिर्फ यही नहीं, भारत के भी कई क्षेत्रों में रावण की पूजा होती है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना खुद रावण ने की थी और इसीलिए यहाँ रहने वाले मछुआरे शिवलिंग के साथ रावण की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक गांव बिसराख को रावण की जन्मभूमि कहा जाता है, जहाँ पूरे भारत में नवरात्रि और दशहरा के दौरान रावण का पुतला जलाया जाता है। इस गाँव में रावण की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किए जाते हैं। जोधपुर में रहने वाले मुदगल ब्राह्मण भी हर साल हिंदू रीतियों के अनुसार रावण का श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। रावण को सबसे खास स्थान दिया जाता है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। ऐसा कहते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका यही था और इसीलिए रावण मंदसौर के लोगों का दामाद है। यहाँ रावण की एक बहुत ऊंची मूर्ति बनी है। लोग दशहरा के दिन इस मूर्ति की पूजा करते हैं
और रावण की मृत्यु का शोक मनाते हैं। रावण को कंप्लीटली नेगेटिव नहीं मानते, ग्रे कैरेक्टर मानते, ग्रे से ज्यादा वो कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा, बहुत वाइज, बहुत स्कॉलर, जिसने एक गलती की जिसके कारण उसे राम के हाथों मरना पड़ा। पूरी दुनिया रावण को 10 सरों वाले राक्षस यानी दशानन के रूप में जानती है। रामायण के उत्तर कांड के अनुसार रावण ने ये सभी सर ब्रह्मा जी को समर्पित किए थे। जब 10वें सर के समर्पण के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने ये सभी सर रावण को लौटा दिए। इन 10 सरों को 6 शास्त्रों और 4 वेदों का प्रतीक माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे रावण की ताकत की भूख बढ़ती गई, उसके ये 10 सर उसकी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रतीक बन गए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। रावण का एक सर बुद्धि का प्रतीक, उसका भाग्य तय करता था और बाकी के सर उसके कर्म, और अपने इन्हीं सेंसेस पर कंट्रोल ना होने के कारण उसने ना केवल अपना बल्कि अपने पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया। और इसीलिए रावण का परिचय ये नहीं है कि वो एक राक्षस था, बल्कि वो एक ऐसा शख्स था जो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया। रावण में लाखों अच्छाइयां थी, लेकिन उसकी इस एक कमी के कारण उसका सारा जीवन मिट्टी में मिल गया। आपको क्या लगता है, अगर रावण खुद पर काबू रखने में सफल होता और अपने अहंकार से जीत पाता तो क्या उसका विनाश होता? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।